बिहार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ बिहार 121। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के बारे में कि गोपालगंज का कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है तथा कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और कहां से अप्रूव्ड है। अगर इन कॉलेज से आप पढ़ते हैं तो क्या आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज ऊंचाई कोट में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2019 ईस्वी में। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, इस कॉलेज से आप BE या BTEC में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTEC कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ गोपालगंज। दोस्तों, यह कॉलेज सिपाया में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। दोस्तों, यह कॉलेज SBTE पटना से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसलिए यहां से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे है MSS पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। यह कॉलेज भी गोपालगंज में ही है। दोस्तों, यह कॉलेज MMHAPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज से आप DAMS, डेंटल टेक्नीशियंस, आई टेक्नीशियंस, फर्स्ट एड और प्रैक्टिकल नर्सिंग से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है भोला प्रसाद सिंह कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज भोरे गोपालगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। यह कॉलेज JPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों, इस कॉलेज से आप IA, ISC, BA और BSc से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे है गोपेश्वर कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज हथुआ में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। दोस्तों, यह कॉलेज भी JPU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इस कॉलेज से आप BA, BSc और MA से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है कमला राय कॉलेज। यह कॉलेज भी गोपालगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। दोस्तों, यह कॉलेज भी JPU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इस कॉलेज से भी आप IA, ISC, BA, BSc, MA तथा MSc से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे है महेंद्र महिला कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज भी गोपालगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। यह कॉलेज भी JPU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों, यह एक महिला कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। यहाँ से आप IA, ISC, BA, BSc तथा MA से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है MPS BEd कॉलेज। दोस्तों, इस कॉलेज का पूरा नाम है महारानी पूनम सिंह BEd कॉलेज। यह कॉलेज हथुआ में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। दोस्तों, यह कॉलेज भी JPU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BEd में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 9 नंबर पे है इंदिरा काली रामजी सिंह BEd कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज कोइल देवा गोपालगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2016 ईस्वी में।
यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड भी है। दोस्तों, इस कॉलेज से आप BEd और DEIED से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद गोपालगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 10 नंबर पे है SR टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज मीरगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में। यह कॉलेज भी दोस्तों JPU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, इस कॉलेज से भी आप BEd की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।